श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति कैंप वन मदर टेरेसा नगर द्वारा शिव प्रतिमा स्थापित करने विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। इसके तहत शुक्रवार को विधि विधान से कलश यात्रा निकाली गई, शनिवार को बेदी पूजा के साथ रविवार को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। विभिन्न धार्मिक सामाजिक कार्यों में अग्रणी श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति मदर टेरेसा नगर कैंप वन द्वारा मंदिर प्रांगण में शिव प्रतिमा स्थापित करने विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पूरे विधि विधान के साथ कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर प्रांगण से निकली कलश यात्रा बैकुंठ धाम तालाब पहुंची। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएँ शामिल हुईं। कलश यात्रा में पार्षद एवं MIC मेंबर रीता सिंह गेरा भी शामिल हुई। इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्यों और मुख्य रूप से शामिल MIC मेंबर रीता सिंह गेरा भिलाई तेलुगु समाज के अध्यक्ष जोगा राव, समाज सेवी भी पोलम्मा और वार्ड पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये बताएं क्या आयोजन हो रहा है? हर हर महादेव। हमारी जो समिति है श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति मदर टेरेसा नगर कैंप वन भिलाई, वहाँ पे जो है शिव भगवान शिव गुरु बाबा का जो है स्थापना कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आज कलश यात्रा निकली हुई है। कल वेदी पूजा करवाएंगे और उसके बाद 13 तारीख रविवार को प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोगों में हम धर्म का जागरूक करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव से जोड़ सके, बस यही प्रार्थना करते हैं। और अपने मंदिर को बनाने के ही उद्देश्य से आज हम निकले हैं कि जितने जनप्रतिनिधि से हम मिल सके, जितने लोगों से हम जुड़ सके, वो सभी जो है हमारे मंदिर के कल्याण के लिए हमें सहयोग करें। बोलो हर हर महादेव। बस वही मदर टेरेसा नगर में कलश यात्रा निकाला आज, ताकि सभी मोहल्ला वासी लोग मिल के कलश यात्रा क्यों निकाला जा रहा है? वही मोहल्ला विकास काम हो, मंदिर का बने, मंदिर एक उद्देश्य है कि हम मंदिर बने, आज तक मंदिर नहीं बन पाया। हाँ, राम भक्त सेवा मंडल के द्वारा वार्ड क्रमांक 31 मदर टेरेसा नगर में आज जो है शिवलिंग का मूर्ति का स्थापना करने जा रहा है, उसके तारतम्य में आज कलश यात्रा निकलेगी और कल यहाँ पूजा पाठ होगा और परसों जो है रविवार को वो शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। यहाँ बड़े पैमाने से रूप से यहाँ आज कार्यक्रम निकला गया कलश यात्रा का, उनके लिए मैं उन सभी भक्तजनों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वार्ड 30 में आज जो हनुमान संकट मोचन हनुमान मंदिर है, उसमें शिव जी की भी शिवलिंग की भी स्थापना की जा रही है। आज उसी उपलक्ष में जो है जन दर्शन के द्वारा जो है कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा मंदिर से शुरू हुई है, बैकुंठ धाम में जल लेने के पश्चात माँ मंकीनम्मा मंदिर के पास जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर माथा टेकने के बाद जो फिर पुनः जो है ये संकट मोचन हनुमान मंदिर में आकर के ये कलश यात्रा समाप्त होगी। मेरा नाम सत्या देवी जायसवाल है और आज हमारे वार्ड में हमारे आराध्य देव का भोले बाबा का स्थापना है और यहाँ से कलश यात्रा हम लोगों ने निकाली है सारे वार्डवासी मिल करके। तो यहाँ से जाना है हमको बैकुंठ धाम, वहाँ पे उसका समापन किया जाएगा कलश यात्रा का। और सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सभी को कि ऐसा अच्छा मौका मिला और हम सभी रैली में शामिल हुए, कलश यात्रा में शामिल हुए, और इससे ज़्यादा अच्छा तो काम मेरे को नहीं लगता कि और कोई हो सकता है, क्योंकि भोले बाबा जो हैं हम सभी के आराध्य देव हैं और इतना बढ़िया सौभाग्य मिला है हम सभी को और हम सभी शामिल हुए यात्रा में और हम सभी अभी जा भी रहे हैं, सब साथ में जाएंगे भी मिल करके। और वहाँ से वापस पुनः आने के बाद पंडित जी के द्वारा यहाँ पर और जो भी पूजा रखी गई उसमें भी शामिल होंगे। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं ये जो यात्रा निकल रही है इसमें शामिल होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वार्डवासियों ने मुझे बुलाया अतिथि के तौर पे और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी अच्छी भव्य यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा हमारे हनुमान मंदिर से चालू होकर वैकुंठ धाम मंदिर तक जा रही है और इसका उद्देश्य मेन है कि धर्म को बढ़ावा देना और अब इसमें लोग शामिल हों, धर्म को बढ़ावा और महिलाएं शामिल हो रही हैं, पुरुष बच्चे सभी शामिल हो रहे हैं इसमें और काफ़ी भव्य यात्रा है। यही हमारा उद्देश्य है कि समाज और कल्याण के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, कल्याण के लिए कि सब कल्याणकारी हो वार्ड में, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है।
आइए देखते हैं कलश यात्रा की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।